हेलो फ्रेंड, आज हम क्रियो में सीखेंगे फिलेट और चैम्फर, राइट। तो फिलेट को क्रियो में कहते हैं राउंड, ठीक है, राउंड। तो हम इसमें राउंड कमांड अप्लाई करेंगे और आपको क्या करना है, इसमें एज सिलेक्ट करना है। तो हमने एज को सिलेक्ट किया और अब आपको इसमें जितना भी आपको रेडियस चाहिए, हम इसमें रेडियस इसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप यहाँ से रेडियस को एंटर कर सकते हो, राइट। एंड देन आप इसमें एड्स पे जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा D1 D2 में क्या होगा, आप इसमें इसको इलेप्टिकल रेडियस आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये D1 और D2 इस तरह से हम इसमें फ्लिट लगा सकते हैं, ओके। तो आप इस तरह से भी इसमें फ्लिट कर सकते हो, इलेप्टिकल फ्लिट लगा सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपने इसमें क्या करना है, वेरिएबल फ्लिट लगाना है। वेरिएबल फ्लिट के लिए क्या होगा, आपको अपने डायमेंशन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको करना है ऐड रेडियस। तो हमने रेडियस ऐड कर लिया, अब आप देखेंगे कि दो रेडियस हो गए। फिर हमने ऐड रेडियस एक और रेडियस ले लिया है, ठीक है। आपने इसमें रेडियस को चेंज कर सकते हो, ऐसे आप देखेंगे कि अब जिस पॉइंट पे जितना आपको रेडियस लेना है आप उतना उस पर रेडियस अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से हम जो है इसमें रेडियस लगाएंगे, फ्लेट लगाएंगे, ओके। और नेक्स्ट हमारा है इसमें चैम्फर कमांड। चैम्फर आपको चैम्फर कमांड लेना है और अपनी जो एज है उस एज को सिलेक्ट करना है। और इसमें ये हमारा क्या है, इस चैम्फर को बोलते हैं डी से मतलब दोनों साइड में एक ही डायमेंशन हमारी इसमें अप्लाई होगी और ये डायमेंशन पे हमारा जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल 45। और अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी में जाके चेंज करूँगा D1 और D2, तो D1 D2 में क्या होगा, आप इसमें इस साइड में मेरे को 10 चाहिए, इस साइड में मेरे को जो है इसमें 10.28 चाहिए। तो जो भी आपको इसमें डायमेंशन चाहिए आप वो चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें आपका एंगल और डी, तो इसमें क्या हुआ, एंगल आ जाएगा, एंगल भी आप चेंज कर सकते हो और आप इसमें इसको डी भी चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये आप इसमें डिस्टेंस और डिग्री दोनों दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसमें 45 एंड डी, तो एंगल तो हमारा 45 रहेगा बट आप इसमें इसको डी चेंज कर सकते हो, जैसा हमारा D1 और D1 था, राइट। तो इस तरह से आप इसमें चैम्फर अप्लाई कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको इसमें कमांड मिलेगी कॉर्नर चैम्फर, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कॉर्नर चैम्फर। और कॉर्नर चैम्फर में क्या होगा, ने क्या करना है, जैसे आपको अभी हमने जो चैम्फर लगाया था वो हमने वन एज पे लगाया था, एक एज को सिलेक्ट किया, चैम्फर लगा दिया था। लेकिन जो कॉर्नर चैम्फर है वो हमारा, उसके लिए हमें 3 एजेस चाहिए हैं, ठीक है। वो 3 एज पे लगेगा लेकिन उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि D1 और D2 हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, D1, D2 और D3। जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए आप वो डिस्टेंस यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं। देखेंगे ना कैसे कॉर्नर पे एक चैम्फर लग गया, बहुत अच्छी कमांड है। तो इस तरह से आप इसमें फिलेट और चैम्फर को यूज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।